कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को भलोटिया मार्केट में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे ने कहा, प्रशासन के निर्देश पर भलोटिया मार्केट में जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें मंगलवार को 116 लोगों ने सैंपल टेस्ट दिए हैं, जिसमें 3 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने में जांच ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना जांच करावा कर बीमारी को पहचान कर ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे ने कहा, 104 मनोज कुमार अग्रवाल, 111 नंबर। हाँ अच्छा, तेरे पे गोपाल जी, आंख बाद में बंद करना। देखो आशीष कुल 117 योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। वैश्विक महामारी में जो है कोरोना का संक्रमण को देखते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोरवाल जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भालोटिया मार्केट, चूँकि शुरू से ही कार्य करते रहे भालोटिया मार्केट में लोग, और जब से लॉकडाउन लगा है तो एक भी दिन भालोटिया की दुकानें नहीं बंद हुई, और इस तरीके से यहाँ बहुत ज़रूरी था। तो आज 115 लोगों की जांच हुई है, जिसमें अभी तो बाकी रिपोर्ट देंगे, ये बता रहे हैं कि 3 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, और कल भी कैंप लगा था, 120 लोगों की जांच हुई थी और जिसमें 3 लोग ही मिले थे पॉजिटिव। तो सभी व्यापारी जागरूक हैं, सभी स्टाफ जागरूक हैं, और सब लोग आके सुबह से अपना आधार कार्ड लेके आ रहे हैं और लाइन लगवा के अपना अपना जांच करा रहे हैं, और जांच ही इससे सुरक्षा है, जांच ही बचाव है, जांच ही जागरूकता है। अगर जागरूकता हमारे अंदर रहेगी तो कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हम लड़ सकेंगे, क्योंकि हैंड सैनिटाइज तो लोग कर ही रहे हैं, मास्क लगाना लोगों ने सीख लिया है, तो अब कुछ जो संक्रमित मिल रहे हैं वो घर पर जाके क्वारंटाइन हो जा रहे हैं, तो संक्रमण की स्थिति अब कम हुई है।